सीधा हाथ में लगा था। ये वीडियो देखा आपने, ये यूपी के पत्रकार हैं और कोई हमारे आपके तरह ये सोशल मीडिया के पत्रकार नहीं थे, ये पंजाब केसरी अखबार के रिपोर्टर हैं और इनका हाथ पैर देखिए किस तरह से कांप रहा है। गौरव बंसल इनका नाम है। इनकी गलती पता है क्या है और क्यों कांप रहे हैं? आधा दर्जन जीप लेकर यूपी पुलिस आती है, इनको घर से उठाती है, रात में 3 डिग्री टॉर्चर देती है और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। जज के सामने इन्होंने अपनी पूरी दुख तकलीफ बताई है, उसके बाद भी इनको किस तरह से मारा तोड़ा गया है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की क्या हालत होगी। अगर वो पत्रकार बन जाए, अगर वो मूछ रख ले तो आप पर कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए अब रेटिंग आ रही है, अर्णब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के सरकार के पक्ष में बात करें, लेकिन पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गौरव का एक और ये वीडियो देखिए टुकड़ों में। गौरव वही शख्स हैं जिन्होंने चुनाव के दिन काउंटिंग को लेकर सवाल उठाए थे, गोदी मीडिया को लेकर सवाल उठाए थे, इन पर हमला हुआ। सुन लीजिए थोड़ा सा, 5-10 सेकेंड। तो देखा आपने, इसका नतीजा गौरव को भुगतना पड़ा और गौरव को पुलिस उठा के ले गई है, थाने ले जाती है, 3 डिग्री टॉर्चर करती है, अखबारों में खबर छपी है, विनोद कापरी ने ट्वीट किया है, रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं। और सोचिए इस देश में सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों की क्या हालत है। लेकिन ये जिम्मेदारी है तमाम अपोजिशन की, तमाम मीडिया संस्थानों की, तमाम पत्रकार एसोसिएशन की, वो आए। यशवंत ने भ्रांस वाले जो है उन्होंने इसको लेकर सवाल उठाया है और क्यों इन पर हमला हुआ है वो उसका तस्वीर और देखिए वीडियो। तो चुनाव के दिन ये काउंटिंग को लेकर सवाल उठा रहे थे, उसके बाद जिस तरह से यूपी पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की है, हमला किया है, उसको लेकर देश भर में गुस्सा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों पर कब तक हमला होता रहेगा। तो ये देखिए, यही वो वीडियो है जिसको मैं दिखा रहा था और कितने डरे हुए हैं, इनको घर से उठाया गया है, इनके साथ मारपीट हुई है। वही चैनल वाले जो हैं, अब दो चैनल दावा कर रहे हैं कि मैं नंबर वन हूँ, एक आज तक और एक TV9। पता नहीं इसमें नंबर कौन वन है। आप लोग के क्या लगता है, क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने टीवी अखबार देखना छोड़ दिया है? और सोचिए कल ये सब मेरे साथ भी हो सकता है, कल आएंगे यूपी पुलिस के लोग और मुझे उठाकर ले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ये देखिए अखबार में खबर है, रात भर थाने में पीटा, कोर्ट में फूट फूट कर रोया, खाकी का कुरूप चेहरा, मीडियाकर्मी को पुलिस हिरासत में, 3rd degree। तो ये तमाम खबरें मैं दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और ये तस्वीरें देखिए जो इसको किस तरह से इनको मारा गया है, पीटा गया है, बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। और इसके खिलाफ कम से कम पत्रकारों को तो एकजुट होना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।